गामा फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और गामा फंक्शन का सिंबल कुछ कुछ ऐसे उल्टे एल जैसा होता है। अब गामा फंक्शन से हम दो तरीके के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, पहला इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेशन ना हो और दूसरा इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेशन हो। अगर इक्वेशन में इंटीग्रेशन नहीं है तब उसे सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा जो कि है गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। कैसे, तो एग्जाम्पल देख लेते तो समझ में आ जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 11, इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है जिसमें इंटीग्रेशन नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ 11 को गामा ऑफ 10 प्लस 1 लिख सकते हैं जो कि कुछ कुछ n प्लस 1 के फॉर्म में आ चुका है। दोनों को कंपेयर कराने पर n का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, यानी कि n प्लस 1 n फैक्टोरियल है तो 10 प्लस 1 कितना फैक्टोरियल होगा, n का फैक्टोरियल यानी 10 का फैक्टोरियल। तो गामा ऑफ 11 का आंसर आ गया 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल यानी 10 * 9 * अप टू सो ऑन 1। तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन करने पर गामा ऑफ 11 का वैल्यू हमें मिल